नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई ट्यूब में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश कर दी है और बहुत तरह का खुशहाल बजट है, बहुत अच्छे अच्छे बजट में बताई है। रोजगार का व्यवस्था किया है, अब बेरोजगारी नहीं रहेगी। पूरे देश भर में लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब हम यहाँ चले आए प्रदेश कार्यालय में, विपक्ष के लोग जो है खुद बता रहे हैं कि ये तो रटा रटाया पिटा पिटाया हुआ है, क्योंकि कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। चलिए पहले क्या बोल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और कभी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में थे शिवानंद तिवारी जी के बात सुनते हैं। सर, जो बजट लाया गया है उसमें बिहार को पीछे रख दिया गया है, कुछ सोचा ही नहीं गया बिहार के बारे में, क्या कहेंगे सर इसमें? इस पर तो बताना चाहिए रूलिंग पार्टी को, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ जो सरकार है वही सरकार यहाँ भी है, तो इन लोगों को ना बताना चाहिए। ये लोग जो है मांग कर रहे थे विशेष राज्य के दर्जा का सवाल उठा रहे थे, या मैंने बहुत लोग पैकेज की भी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग तो पैकेज की भी बात कर रहे थे, पैकेज भी नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। अब बिहार के साथ तो जो उपेक्षा हुई है ये कहने की कहाँ बात है। अब इन लोगों पर निर्भर करता है, नीतीश कुमार और बाकी लोगों पर, कि वो लोग इस बजट के बाद जो बिहार की उपेक्षा हुई थी उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। रोजगार देने के लिए भी बात कही गई है, रोजगार 60 लाख लगभग, तो फालतू बात है ना। 2 करोड़ रोजगार तो प्रति वर्ष देने का वादा करके आप 2014 में आए थे, तो 2014 से लेकर के ये 2022 जो है शुरू हो गया, इस बीच में 2 करोड़ के हिसाब से कम 14 करोड़ 15 करोड़ तो रोजगार मिल जाना चाहिए था, तो अभी तक तो रोजगार मिलेगा कहाँ। ये मंदी के दौर में और पेंडेमिक के दौर में जिनके हाथ में रोजगार था वो लोग भी बेरोजगार हो गए। सर, 2019 में जो युवाओं को ठगने का काम किया गया था एक दिखा करके रेलवे की वैकेंसी, क्या भाई रेलवे की वैकेंसी 1,30,000 के लगभग निकली थी या 1,40,000 टोटल, और अप्लीकेंट थे उसमें 2,30,000 या 40,00,000 लोग अप्लीकेंट थे, नहीं नहीं सब मिला के जी जी। जो एक इम्तहान नहीं हुआ है जिसको दो चरण में इम्तहान, सबको मिला करके 2,40,00,000 लोग अप्लीकेंट थे। इससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की हालत कैसी है। इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश में एक कुछ हजार मैंने चपरासी का पद निकला था जिसके लिए योग्यता जो है वो मिडिल पास थी, और उसमें पीएचडी लोग और इंजीनियर लोग अप्लाई कर रहे हैं। यह हालत हो गई है तो सरकार को देखना चाहिए। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, अब लड़का जो है लोन लेकर के चाहे जैसे भी हो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, उसके लिए जॉब नहीं है, तो अब उसके बाद बैंक जो उसको पढ़ने के लिए खर्चा दिया लोन दिया अब वो वसूली करेगा, तो एकदम मैंने नौजवानों के साथ तो जिस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है, नौजवानों की जो हालत है वो कहने की बात है। अब गार्जियन जो है पढ़ाया बीए एमए पास कराया, उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही है, गार्जियन अलग सवाल सवार है सर पर, भाई हमने तुमको पढ़ाया तुम जो है अपना खर्चा वर्चा देखो। उसमें भी बिहार जैसे प्रदेश में शादी हो जाती है, आइए बीए में गए शादी हो गई और बीवी भी आ गई, रोज जो है गार्जियन का भी बात सुनिए परिवार का भी बात सुनिए, तो गिंजन है नौजवानों के। बजट से फिर एक बार देशवासियों को निराशा हुई है। इसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कोई लाभकारी योजना नहीं है, ये जुमलेबाजी की बौछार है और इसमें कुछ नहीं है। बिहार के साथ फिर एक बार धोखा हुआ, डबल इंजन की सरकार में लगातार बिहार की जनता ठगी जा रही है। तो विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू लगातार मांग कर रही थी, तो विशेष राज्य का दर्जा तो दे ही नहीं रही है, न विशेष पैकेज दे रही है केंद्र सरकार। तो जेडीयू की अगर नियत साफ है, मनसा, तो जेडीयू बताए इसके बाद भी वो सत्ता की मलाई खाने के लिए साथ रहेगी बीजेपी का। बीजेपी जेडीयू ने मिल करके बिहार की जनता के साथ धोखा किया है, और इस बजट में भी पहले की तरह जो पहले बजट सरकार ने पेश किए हैं उसी तरह से ये बजट में भी बिहार को फिर से एक बार ठगा गया है। रोजगार देने के लिए भी घोषणा हुई, रोजगार तो जुमलेबाजी की बौछार हमने कह ही दिया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। पहले उसमें घोषणा किया गया था नमामि गंगे परियोजना, उसका क्या हश्र हुआ, दे दिया गया। देश की आर्थिक व्यवस्था
जो है वो जमीन छू रही है, और जो लिफाफा है वो चाहे आप उसको अमृत काल के रूप में आप देखें या फिर जो भी देखें, और रोज़ नए नए प्लान को बताएं, लेकिन मूलभूत जो बातें हैं कि कृषि क्षेत्र में जितना एलोकेशन होना चाहिए था उसका मैंने एक दहाई भी एलोकेशन नहीं हुआ। शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, उस पर कोई एड्रेस नहीं है। इनकम टैक्स जो आम आदमी के को रिलैक्स किए जाने की बात कही गई थी, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। महंगाई आसमान छू ही रही है, और उसमें और कुछ सेस जोड़ दिया गया है पेट्रोल पर और बढ़ाने का। तो मैं कहता हूं कि ये सारा लोड आम आदमी के ऊपर डालने की कोशिश की गई है, और सुविधा के नाम पर अब हीरा तराशे हुए हीरे के एक्सपोर्ट पर आप ड्यूटी कम कर रहे हैं, तो आप किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? सब गुजराते सारी देश की इकोनॉमी को लाके इकट्ठा कर देगा क्या? ये हीरा तो गुजरात में तराशा जाता है। तो सरकार का जो इम्फेसिस है वो आम जनता की सुविधा और उसकी इकोनॉमी, उसके पॉकेट की तरफ बिल्कुल नहीं है। यह आम जनता की सरकार ही नहीं है इस बात को सिद्ध करता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो चलंत बजट सरकार ने पेश कर दिया और एक रूटीन पूरा कर दिया उसने, और कोई होमवर्क नहीं था किसी भी तरह की, का जो एक लिक्रेटिव अनाउंसमेंट कह सकते हैं जनता के लिए कि भाई महंगाई कम होगी, भाई शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी, इस पर कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैं इस बजट को कंडेम करता हूँ। अब देखना है कि क्या जो आम बजट जो पेश किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी द्वारा, क्या उस चीज़ों पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो तो समय